सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे। और हुंडई की क्रेटा ई वेरिएंट मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने वंस अगेन लेकर आ चुका हूँ। क्रेटा ई वेरिएंट हमारे वहाँ क्यों आती है? बेस वेरिएंट होती है, उसको हम लोग टॉप एंड वेरिएंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करवाने से आपकी कार जो है वो एक अल्टीमेट लुक के साथ काफ़ी बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन हो जाता है। जगदम्बा कार एक्सेसरीज हमारी शॉप का नाम है। मैं कई सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आप बेस वेरिएंट कार लेते हो तो काफ़ी वर्थ रहता है। आइए एक ऐसा ही एग्जांपल हुंडई क्रेटा ई वेरिएंट जो हमारे वहाँ पादरा से आई हुई है और काफ़ी जो क्लाइंट है उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी बेस वेरिएंट से लेकर टॉप में मॉडल में कन्वर्ट करना था। बजट भी काफ़ी हम लोगों ने सोच समझ के इस पर स्पेंड किया है, लेकिन काफ़ी लुक्स एंड जो कंफर्ट हम लोगों को चाहिए थी वो सब कुछ मिली हुई है। और आपका दोस्त राकेश आप लोगों को सब कुछ बताएगा क्या कुछ इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार की। तो फ्रंट प्रोफाइल में हमने दोस्तों ABS का गार्ड इंस्टॉल किया हुआ है जो पावर्ड बाय MTech ब्रांड का है। MTech का गार्ड लगाने से आपकी जो कार है उसका जो फ्रंट बम्पर होता है वो एकदम सेफ हो जाता है और सिल्वर मेटालिक विद पियानो ब्लैक फिनिश के फिटिंग के साथ ये आता है। इससे क्या होता है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो कोई भी नॉर्मल छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं उससे आपको ये बचाव देता है और साथ ही साथ एक लुक भी काफ़ी अच्छा एनहांस हो जाता है। अगर आप चाहते हो तो अपनी हेडलाइट को भी अपग्रेड करवा सकते हो। अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हमने चेंज नहीं की, लेकिन हमारे पास दोस्तों प्लग एंड प्ले में वाइट एंड LED बल्ब आते हैं जो 90 वॉट, 110 वॉट और 150 वॉट तक के रेंज के आते हैं। साथ ही साथ बात करें हम बेस वेरियंट के अंदर फॉग लाइट नहीं आती है, तो हम लोगों ने हुंडई की जेन्युइन फॉग लाइट्स लगाई हुई है जिसका नाइट का थ्रो काफ़ी अल्टीमेट है और प्लग एंड प्ले बल्ब है। कोई भी हमने वायरिंग डैमेज नहीं की है, हुंडई की जेन्युइन फॉग लाइट है। लेकिन एक आप लोग लुक्स देख सकते हो कि बेस वेरिएंट से टॉप मॉडल में जब हम लगाते हैं तो एक एक फिटिंग एंड फिनिशिंग भी एकदम OEM स्टाइल से ही करते हैं। आपको ये फ्रंट ग्रिल भी अपग्रेड करवानी है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती है इसका, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप क्रेटा की पूरी प्लेलिस्ट देखोगे, सभी क्रेटा में हमने अलग अलग ग्रिल्स लगा के आपको दिखाया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों की तरफ से मिला है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल में क्या चीज़ें करवानी चाहिए ताकि आपकी कार जो है बेस वेरिएंट ना लगे। सो ये साइड प्रोफाइल ऑफ द कार है क्रेटा बेस वेरिएंट का। लेकिन कहीं से भी आप बता दो कि ये कार जो है वो बेसिक वेरिएंट है, एक्चुअली क्या है इसके अंदर सब कुछ टॉप एंड वेरिएंट जैसा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं रूफ रेल जो हम लोगों ने इंपोर्टेड ABS की लगाई हुई है, कंप्लीट OEM की तरह ही आती है ये और स्टीक ऑन कर दी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई भी ड्रिल वगैरह कर दिया है, पूरा स्टीक ऑन करके हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल की हुई है। डोर वाइजर्स हम लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं जो ब्लैक विथ सिल्वर लाइन के साथ हैं। लोअर विंडो गार्निश आप देख सकते हो किस तरीके से एक साइड प्रोफाइल को एनहांस करने में ये दोनों चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। डोर गार्ड आईपॉप के हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत ही अल्टीमेट हम लोगों ने साइड क्लैडिंग और साइड स्टेप का एक कॉम्बिनेशन इंस्टॉल किया हुआ है जो OEM साइड स्टेप की तरह लगता है। ये इंपोर्टेड साइड स्टेप से आप एक तो आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस से आप आराम से चढ़ सकते हो और उतर सकते हो और ये पूरा साइड प्रोफाइल जो है वो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। इसकी एक फिटिंग एंड फिनिशिंग देख सकते हो जैसे लग्जरियस SUV कार्स आती है BMW ऑडी, उस तरीके से ये OEM स्टाइल में हम लोगों ने साइड स्टेप इंस्टॉल किया है विथ मड फ्लैप एज के साथ आता है। दोनों तरफ हम लोगों ने ये साइड स्टेप लगाया है। बात करें हम इसके पूरे साइड प्रोफाइल ऑफ द कार को और ज़्यादा एनहांस करने की, तो हम लोगों ने दोस्तों एलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए हुए जो चारों के चारों टायर्स हम लोगों ने 16 इंच के थे उसको रिमूव कर लिए हुए और कस्टमर से बायबैक में हम लोगों ने रिप्लेस करके 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो हुंडई के जेन्युइन है, कोई भी मतलब चाइनीज़ या आफ्टर मार्केट नहीं है, कंपनी फिटेड जो ओरिजिनल हुंडई के आते हैं वही हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर आपके पास डिज़ाइन के काफ़ी सारे चॉइस चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको अच्छे से डिज़ाइन दिखाएंगे और आप जो बोलोगे वो डिज़ाइन लग जाएंगे। सो बेस वेरिएंट लेने में कोई भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप अपग्रेड करवा सकते हो अपने एलॉय व्हील्स। 17 इंच के टायर्स भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, JK टायर ब्रांड के हैं, अपोलो के हैं और बहुत सारी ब्रांड के हमारे पास टायर भी मिल जाएंगे और एलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो और कमेंट करके हमें बताना कि साइड प्रोफाइल किस तरीके से अपग्रेड हुआ है।
साथ ही साथ हम लोगों ने सन कंट्रोल फिल्म भी लगाई है जो चारों विंडो रियर के ग्लास में और फ्रंट ग्लास में, ताकि RTO के रूल्स के हिसाब से इसमें सन प्रोटेक्शन भी मिल जाए और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। आप देख सकते हो रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। रियर प्रोफाइल से जब आप कार को देखोगे तो इस कार के अंदर जैसा हमने फ्रंट में ABS गार्ड लगाया, उसी तरीके से रियर की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने रियर ABS गार्ड लगाया है, जो M-Tech का फ्रंट एंड रियर का पूरा कॉम्बो आता है। ABS का ये गार्ड लगाने से एक तो लुक ज़्यादा एनहांस हो जाता है और कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो टच वगैरह है उससे आपकी कार जो है वो प्रोटेक्टिव रहती है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि दीवार में या रिवर्स लेते टाइम हमसे टच हो जाती है तो पूरा जो बम्पर है वो आपको इंश्योरेंस नहीं करना पड़ता, सिर्फ ये गार्ड जो है वो रिप्लेस करवा के आप अपनी गाड़ी को ओरिजिनल रख सकते हो। रियर में हम लोगों ने यहाँ पे हुंडई की ओरिजिनल पार्सल ट्रे भी लगाई हुई है, वो भी कंप्लीट हम लोगों ने जेन्युइन लगाई है। और दोस्तों इंटीरियर में हमने क्या क्या किया हुआ है वो सब कुछ आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, सब कुछ हम लोग अपग्रेड करके देने वाले हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आपने बाहर की तरफ से देखा कि बेस वेरियंट में क्या कुछ नहीं आता है और अपग्रेड कर सकते, तो वैसा ही हम लोगों ने दोस्तों इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार का भी ध्यान रखा है। जैसे ही आप इंटीरियर के अंदर वेलकम करेंगे एक आपको अल्टीमेट सीट कवर देखने को मिलेंगे, जो सबसे पहली नीड होती है आपकी कार की। अगर आप कोई भी कार लेते हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आते हैं सीट कवर। हम लोगों ने इस कार के अंदर रियोन ब्रांड के साका लेदर सीट कवर विथ डायमंड कट स्टिच वाले रेड लाइन एडिशन वाले सीट कवर्स लगाए हुए हैं, जो प्रीमियम क्वालिटी के हैं, साका लेदर में है, एयरबैग कट फ्री है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें, 2 ईयर्स की वारंटी के साथ है। फिटिंग फिनिशिंग आप लोगों के सामने है दोस्तों। और बात करें हम इसकी मैट की, तो मैटिंग हम लोगों ने बहुत ही अल्टीमेट 7D मैट इंस्टॉल की है, जो ब्लैक विथ आइस पर्ल ग्रे स्टिचिंग के साथ है। सिलिकॉन बेस इसका जो पैड आता है, आपको हमेशा मैं वीडियो में बताता हूँ ऑटोटेक वन ऑफ द बेस्ट 7D है, बस आपको इसको ग्रास को ऐसे उठाना है, क्लीन करके वापस लगा दो, एकदम ईजी टू क्लीन हो जाएगी। साथ ही साथ हम बात करें रियर की सीट की, तो रियर की सीट का भी फिटमेंट हमारे वहाँ एकदम कंप्लीट आप लोगों के सामने मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो आजकल तो बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट भी आ चुका है 60-40 सीट विथ 4 हेडरेस्ट के साथ, लेकिन एक एक फिटिंग एंड फिनिशिंग आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। और रियर की 7D मैट का फिटिंग पूरा सिंगल पीस में है विथ 3 ग्रास मैट कट के साथ है, आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग है। और क्या चाहिए दोस्तों आपको बेस वेरियंट कार के अंदर, अगर आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार के अंदर और एम्बियंट लाइट लगा सकते हो, लेकिन हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बेस वेरिएंट में कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि जो कार के जो मिरर है वो बेसिक डंडी वाले आते हैं बेस वेरिएंट में, तो हम लोगों इंस्टॉल कर देते हैं ऑटो फोल्ड मिरर जो हुंडई के जेन्युइन है दोस्तों, सेम कलर वाले वाइट कलर के साथ मैचिंग विथ इंडिकेटर के साथ एकदम OEM फंक्शन के साथ। जैसे ही आप फोल्ड करोगे आराम से फोल्ड हो जाएंगे, जैसे ही अनफोल्ड करोगे अनफोल्ड हो जाएंगे। आपको अंदर की तरफ से हम लोग फिटिंग भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मिरर जो है OEM जगह पे लग चुका है, और ये जो डोर ट्रिम है इसमें हम लोगों ने कोई भी मतलब पूरा डोर ट्रिम रिप्लेस नहीं किया है, लेकिन हमारी कटिंग और फिटिंग फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से है। हमारे जो मिरर की परफेक्शन है वो भी आप लोगों के सामने है, जैसे हम डाउन कर रहे हैं डाउन हो रहा है, अप कर रहे हैं अप हो रहा है, राइट साइड कर रहे हैं तो राइट साइड और लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड, और जैसे ही हम फोल्ड का बटन दबाते हैं एकदम वन टच दोस्तों। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब आपको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि होता क्या है कि बजट के हिसाब से ये जो पूरा डोर ट्रिम है वो काफ़ी कॉस्टली आता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें OEM में खाली कट करके इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन इतनी सारी कार्स के हम लोगों ने डोर्स को कट करके इंस्टॉल किया है कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी आपका बजट अच्छा है तो आप पूरा डोर ट्रिम भी चेंज करवा सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है म्यूज़िक सिस्टम की, तो म्यूज़िक सिस्टम के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे चॉइस हैं। ये कार के अंदर हम लोगों ने दोस्तों हमान ब्रांड का कैपेसिटिव टच वाला एंड्रॉयड स्टीरियो लगाया, जो फुल्ली कैपेसिटिव टच के साथ आता है। इसकी वीडियो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें हम लोगों ने हुंडई के जेन्युइन स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल बटन भी इंस्टॉल किए हुए हैं, और स्टीयरिंग कवर भी स्टिच कर दिया हुआ है जो एकदम लेदर रैप वाला है, OEM लेज़र कटिंग के साथ है और जिग जैग स्टिचिंग के साथ ये स्टीयरिंग कवर आता है। म्यूज़िक सिस्टम के अंदर हमें FM ब्लूटूथ पेन ड्राइव यूट्यूब गूगल नेविगेशन सारे फंक्शन हम लोगों को मिल जाते हैं। जैसे ही हम इसमें रिवर्स करते हैं तो एक रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिल जाता है जो Ultra HD रिजल्ट के साथ है, और गूगल मैप्स जैसे सारे ही एप्लीकेशन आपको इसमें वर्क करते दिखेंगे। मैं आपको एक इसकी वीडियो क्लैरिटी दिखाना चाहूँगा दोस्तों।
और टच रिस्पॉन्स से लेके सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छा है, और 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है दोस्तों। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके सनग्लास होल्डर की, तो हुंडई का जेन्यून सनग्लास होल्डर इंस्टॉल किया हुआ है, एकदम वन टच। आप देख सकते हो सनग्लास भी अंदर हम लोगों ने रखे हुए हैं, और एकदम OEM की तरह वर्क कर रहा है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। क्रेटा बेस वेरिएंट अगर आप लेते हो तो इस तरीके से आप अपनी कार को मॉडिफाइड करवा सकते हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों। Get down. If it's written in the stars, close your eyes and listen to the rhythm of your heart.